हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जय भोलेनाथ। सभी सावन सावन का महीना सभी को शुभ हो। और आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा मेकअप के लिए है, जो जो मैंने मेकअप किया है, क्योंकि मैं मेकअप भी करती हूँ। तो ये देखिए, सारी बच्चियों का मैंने मेकअप किया था। 21 से 22 बच्चियाँ थी, इनको मैंने डांस भी सिखाया था और इनका मेकअप भी किया था, फ्री मेकअप किया था। और मतलब सभी लड़कियों को मैंने तैयार किया था, जितना मतलब मेरे से हो सका है मैंने अच्छा करने की कोशिश की है। और ये मेरी बड़ी जेठानी की बेटी है, जब हमारे यहाँ भागवत हुई थी तो मैंने उसको कृष्ण जी बनाया था। और जब शादी होती है ना कृष्ण और राधा की, तो मैंने सभी को तैयार किया था। पीछे देखिए मीरा जी खड़ी हुई हैं। और ये मेरा मेकअप आर्ट है, जब हमारे यहाँ दुर्गा जी रख जाती हैं तो झांकियाँ निकलती हैं, तो उसी का है कि मैं मुझे मतलब 6-7 साल हो गए हैं मैं सभी को तैयार करती हूँ। जब भी झांकी निकलती है, देखिए जन्माष्टमी में जब झांकी निकलती तो मैं सब बच्चों को तैयार करती हूँ। ये मैंने एंगेजमेंट मेहंदी लगाई थी, कुछ ख़राब हो गई क्योंकि अभी डेली रूटीन में बन नहीं रही है, तो इस वजह से ये सूख गई थी, इस वजह से अच्छी नहीं दिख रही, बाकी अच्छी डिज़ाइन लग रही थी। और ये मैंने दीपावली में अपनी रंगोली बनाई थी अपनी दुकान में। और हमारे यहाँ जब भागवत हुई थी तो ये मैंने कृष्ण जी बनाया था, पहली बार ही बनाया ऐसा, और पहली बार में अच्छा बना है। और जब हमारे यहाँ कलश यात्रा निकली थी, भागवत हुई थी, तब मैंने ये कलश तैयार किया था बिना इन्वेस्टमेंट के। और एक दीदी हैं, इनकी शादी हुई थी और इनको भी मैंने फ्री मेकअप किया था, इनका फ्री लहंगा इनको दिया था। और ये डांस कंपटीशन की तैयारी हो रही थी तो ये लड़कियां मेरे यहाँ से तैयार होके गई थी। और ये मेरी बिटिया रानी है, जिसको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप देखिए कितनी स्टाइलिश है। और ये मतलब अलग अलग शाल की है और मैं एक सा ही तैयार करती हूँ ये दोनों। और ये मेरी बिट्टू खुद से मेकअप की थी, आप देख सकते हैं। आगे चल के ये मेरी बेटी जब छोटी थी ना, शायद 2 साल या 2.5 साल की थी, तब का वीडियो है। इतनी क्यूट दिखती थी, इतनी क्यूट दिखती थी, क्या था इसके बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे, तो इसके पापा ने ना मुझे बिना बताए इसके सारे बाल कटवा दिए थे। इसकी नौटंकी देखिए आप, बहुत नौटंकी करती थी पर कभी परेशान नहीं किया उसने। 5 साल की कैसे हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और हमारे जो भैया जी हैं वो 6 महीने तक तो बिल्कुल परेशान नहीं किए, एक भी परेशान नहीं करता था। जहाँ भी जाते थे ना तो सब यही बोलते थे, यार तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है, तुमको परेशान नहीं करता, इसलिए तुम फ्री रहती हो, है ना, तुमको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। तो ऐसा लग रहा कहीं उसको कहीं नज़र ना लग गई हो बहुत ज़्यादा। तो अब इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि मैं उसको एक सेकेंड के लिए छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर मैं कहीं बिठाल देती हूँ, लिटा देती हूँ ना, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, कोई ना कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है। और आजकल तो क्या है, पलंग वगैरह में ना चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए 6 महीने का है और वो ऐसी कोशिशें कर रहा है, तो उस वजह से मुझे डर लगता है, उसको अकेला कभी नहीं छोड़ती हूँ। इस वजह से ना मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, उसको लेके बैठे रहो, और किसी के पास भी नहीं रहता। गोदी में कोई लेता है ना तो भागने की कोशिश करता, बैठता ही नहीं गोदी में, अकड़ता है। तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे अभी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और रोना भी आ रहा, कल तो 1 बज गए, कल पूरा काम डला था, जो खाना पीना और आन्या को स्कूल भेजने का था वो तो ठीक है, पर कल पूरा काम डला था। रात में 1:30, 1 बजे तक मैंने पूरा काम कंप्लीट किया, क्योंकि परसों हम जबलपुर चले गए थे, इस वजह से हमारा काम नहीं हुआ था। तो फिर हमने रात में काम किया, जब भैया जी सो गए तब हमने काम किया, और फिर सुबह से फिर वही चालू हो जाता है। ये मतलब उस जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो बार बार देखने आती हूँ कहीं उठ ना गया हो। आज भी ऐसे हुआ था कि पता नहीं, कहते ना माँ को एहसास हो जाता है कि कहीं बच्चे के साथ कुछ होने वाला तो नहीं है, तो रोज़ ऐसे ही होता है, मुझे ऐसा लगता है एक बार देख के आ रही हूँ कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो वही चीज़ ऐसी, मैं आज दौड़ के आई ना तो देखा तो बिल्कुल गिरने वाला था। ये था कि अगर मैं 5 सेकेंड नहीं आती तो नीचे गिर जाता। 6 महीने का हो गया, अभी से कम 4 बार गिर चुका है वो, बहुत बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरी बिट्टू छोटी सी थी तब का है, हम लोग बुआ के घर गए थे कचनार सिटी, वहीं का वीडियो है। थोड़ा सा मेरी बहन ने शूट किया था, और जिस बुआ के घर गए थे वो बुआ तो अब नहीं रही, बहुत याद आती है। जब से बुआ गई हैं हम बुआ के घर ही नहीं गए हैं, बहुत मेरे को बहुत चाहती थी बुआ, बहुत ज़्यादा चाहती थी।
जब से वो गई है ना, हिम्मत ही नहीं होती वहाँ जाने की। और यहाँ तक कि हम गचनार सिटी तक नहीं गए हैं, घर तो बहुत दूर की बात है। वहाँ जाओ ना तो बुआ की याद आती है, इसलिए हम जाते ही नहीं हैं। 3 साल हो गए हैं बुआ को गए हुए, तब से हम जा ही नहीं रहे वहाँ पर। क्या करोगे, जो लोग आए हैं वो तो जाएंगे, पर कोई जल्दी चला जाता है, कोई कोई पीछे जाता है, पर भगवान को ऐसा नहीं करना। ये मेरा न्यू ईयर का वीडियो है, जब मेरे बच्चे यहाँ पर कोचिंग पढ़ने अभी भी आते हैं। अभी क्या है, स्कूल अभी 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 खोल रहे हैं, कोई मामा के यहाँ गया, कोई कहीं गया है, तो आ नहीं पा रहे हैं। अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं आना बच्चे। ये तो न्यू ईयर का वीडियो है बच्चों, मतलब एक दिन तो बच्चों के नाम पे करती थी मैं, कोई भी ओकेशन वगैरह रहता था ना तो मैं बच्चों के साथ फुल एंजॉय करती थी और बच्चों के साथ बच्चे बन जाती थी, इसलिए तो बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। कहीं भी मिल जाती हूँ ना तो दौड़ के भाग के आते हैं मेरे पास कि हमारी मैडम आई हैं। तो आप देख लीजिए बच्चे मेरे साथ कितनी मस्ती कर रहे हैं। मैं गाना इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। वैसे भी मेरी वीडियो में बहुत सारी कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं, जो कि मेरी खुद की वीडियो तो भी कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो थोड़ा सा तो मैं इसकी म्यूज़िक लगा दूंगी आप लोग को, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। ये देखिए, ठंड का मौसम था उसी टाइम की वीडियो है, हरियाणवी डांस में हम लोग डांस कर रहे हैं। अब उस टाइम नया चला था ये बहु काड़े की, वही वाला डांस कर रहे हैं हम लोग सब के सब। देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं बच्चे। और आप लोग से मेरी गुजारिश है कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिएगा। और चलो मेरे लिए ना सही, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, पर आप इन बच्चों का थोड़ा सा आप इनका सहारा बनिए। बस वीडियो के माध्यम से आप इनका सहारा बनिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनके भविष्य के लिए। तो प्लीज़ मेरी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को वॉच कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है। देखिए आपके पैसे तो लग नहीं रहे हैं ना, आप नेट बैलेंस तो डलवाते ही हैं। दूसरी की वीडियो, ख़राब वीडियो ना देख के आप ये वीडियो देखेंगे तो कुछ बच्चों के लिए हेल्प हो सकेगी। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग की बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर आपका मन है तो आप प्लीज़ हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।